हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शालसी बावर्ची खाना। वीडियो देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज की रेसिपी है इन कलरफुल मिठाइयों की। तो मैंने यहाँ पे बनाई है 3 तरह की मिठाइयाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ना मैं 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। घी को पैन में स्प्रेड कर देते हैं और इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। तो चलो अब इसको ना 2 से 3 मिनट तक हमें भुनना है। हीट को लो रखेंगे, इसे बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, तो बस 2 से 3 मिनट तक ही भुनेंगे। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि हम नारियल का लड्डू बना रहे हैं। तो अब ना इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब भी मिठाइयाँ बनानी होती है ना, तो हम ये सोचने लग जाते हैं अरे इसे बनने में तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन इन मिठाइयों को बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसमें ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। आपको कंडेंस्ड मिल्क उतना ही इसमें यूज़ करना है जिससे कि नारियल के लड्डू बनने लग जाए। फिलहाल मैं इसमें 2 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ कर रही हूँ, आगे अगर ज़रूरत होगी तो फिर ऐड करेंगे। और 4 से 5 बूंद मैं लिक्विड फूड कलर डाल रही हूँ, ये है रेड रसबेरी फूड कलर। अब ना इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1 चम्मच और कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कलर मुझे बहुत लाइट लग रहा है, तो मैं 2 बूंद और लिक्विड फूड कलर का यूज करूंगी इसमें। इसका कलर बहुत ही सुंदर आया है, देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ना इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के बाद ना इसको एक बार रोल कर लेंगे नारियल के बुरादे में। बाकी के भी लड्डू को ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। मिठाई बनाने से पहले याद रखना कि अपने हाथों को चिकना करना मत भूलना। अब बनाना शुरू करते हैं दूसरी और तीसरी मिठाई, काजू मिल्क रोल और मिल्क पेड़। तो इसके लिए भी मैंने ना 2 चम्मच घी डाल दिया है। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर, ये 1/4 कप है नारियल का बुरादा, और 1 कप ना इसमें दूध ऐड कर देते हैं। सारी चीज़ों को एक साथ ऐड करना। अब इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करते हुए जाएंगे ताकि लंप ना रहे इसमें। अब मिल्क पाउडर और नारियल के बुरादे को ना दूध के साथ पकाना है। इस प्रोसेस में ना 15 मिनट लग जाएंगे, मतलब आपको ये पूरा दूध सुखा देना है ताकि एक डो के फॉर्म में आ जाए। देखो ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। थोड़ा सा दूध इसमें अभी भी बचा हुआ है, तो उसको भी इसमें सुखा लेते हैं। इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर जार, इसमें मैं 20 से 25 काजू ऐड कर रही हूँ। इसको हमें पाउडर बनाना है। अब इस पाउडर को ना एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मिल्क पेड़ा के डो को मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। हाथों को चिकना करेंगे और इसको मैश करके एक डो बना लेंगे। इसको 2 भागों में बांटना है, एक भाग कम होगा और एक ज़्यादा होगा। अब ये है काजू का पाउडर, इसमें डालेंगे 4 से 5 बूंदे हरे लिक्विड फूड कलर की, और ये जो छोटा वाला डो था ना उसको इसमें मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखो बिल्कुल सही कलर आया है इसका। हाँ, ये हाथ में चिपक बहुत रहा है, तो आप इसको ना हाथ को थोड़ा चिकना करके ही आगे का प्रोसेस करना। हाथ को चिकना करने के बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे। इस डो को चिकना करने के बाद इसको ना प्लेट में रख देते हैं। अब इस 2 डो से बनेगी 3 मिठाइयाँ। तो इस ग्रीन वाले डो को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, एक साइड कम है और एक साइड ज़्यादा है। छोटे वाले भाग से ना छोटे छोटे पार्ट्स निकालते जाएंगे, 5 से 6, मतलब हमें जितना मिल्क पेड़ा बनाना है उतना ही हमें ये भी बनाना होगा। व्हाइट वाले डो को हाथ पे रख के ना चिकना कर लेते हैं, और इसका बनाना है हमें मिल्क पेड़ा। तो ये मैंने थोड़ा सा तोड़ा है और इसको हाथ पे मैं रख के चिकना करूँगी और मिल्क पेड़ा बनाऊँगी। ये देखो इसी तरीके से आपको पेड़ा बनाना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आपको नहीं दबाना है, वरना इसका शेप बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो ऐसे हल्के हाथों से दबा देना। ये देखो पेड़ा बन गया है। ऐसे ही हम बाकी के पेड़े भी बनाकर तैयार कर लेते हैं।
अब ग्रीन वाला डोज जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर रखे थे उसका ना छोटा छोटा पेड़ा बना लेते हैं। छोटे वाले पेड़े को बड़े वाले पेड़े के ऊपर रख देंगे। अब इस पेड़े के ऊपर हमें दिखानी है अपनी कलाकारी। आप चाहो तो अपने हिसाब से डिजाइन बना सकते हो। ये देखो मैंने चम्मच लिया है और चम्मच को जिधर से होल्ड करते हैं ना उधर से हम ऐसे कट करेंगे। ये देखो मैं इसमें लगाऊंगी 4 कट। जैसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर देके मत करना है वरना ये टूट जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना। आप इसमें 5 भी लगा सकते हो, 4 या 5 दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं। देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन। ऐसे ही बाकी के पेड़ों पर भी डिज़ाइन बना लेते हैं। तो अब तीसरी मिठाई बना लेते हैं जिसका नाम है मिल्क काजू रोल। तो इसको ऐसे चिकना कर लेंगे और छोटे छोटे भाग इसके बनाते जाते हैं। मैं इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ के रख रही हूँ। आप चाहो तो इसे भी छोटे बना सकते हो। हाथों पे घी लगा के मैंने इसको चिकना कर लिया है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको ना रोल का शेप देना है तो इसके हल्के हल्के हाथों से पहले चिकना करेंगे रोल करके। ये देखो और ना मैंने इसके साइड्स को थोड़ा थोड़ा दबा दूंगी ऐसे। ऐसे ही सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मेरा मन किया इन मिठाइयों पे थोड़ी सी अपनी और कलाकारी दिखाने का। तो मैं ना एक एक चेरी का टुकड़ा इस पे रखती हुई जा रही हूँ। ये ना बहुत सुंदर लग रहा था ऐसे। और मिल्क काजू रोल के ऊपर ना मैं काजू से डेकोरेट कर रही हूँ। तो काजू को 2 भागों में बांटा और एक एक भाग को ना इस पे प्रेस किया और हल्का सा प्रेस कर देना ताकि ये इसे चिपक जाए। तो इस रक्षाबंधन आप भी बनाइए झटपट बनने वाली मिठाइयाँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाए तो इसे शेयर भी कर दें। वी विल मीट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।